मुझे याद है एक गुरु भाई स्वामी जी, उन्होंने मुझे अपनी जीवन की घटना बताई कि जब मैं 15 वर्ष के करीब था तो मैं घर से सत्संग में जाता था, बहुत छोटा था, अपने माता पिता के साथ। और मैं जब नूर महल गया, रक्षाबंधन का दिन था, छोटा था मैं, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है रक्षाबंधन का। जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी महाराज जी को राखी बांधूंगा आज। तो मैं 2 राखियां लेकर के नूर महल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अवसर मिला तो मैंने एक राखी महाराज जी की कलाई पर बांध दी। महाराज जी किसी ध्यान में निमग्न थे, मैंने प्रणाम किया और कलाई पर राखी बांध दी। महाराज जी ने अचानक से देखा तो देखा बहुत छोटा सा बालक है मैं, 15 साल का। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए, प्यार किया, गाल पे थपकी दी और पूछा कि तू कहां से आया है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं फलां स्थान से आया हूं। तुम्हारे कहते हैं अच्छा ठीक है तो जाओ। कहते महाराज जी मैं गया नहीं। मैंने कहा महाराज जी, दूसरी राखी निकाली हाथ से, खोली मुट्ठी और कहा महाराज जी, महाराज जी को पकड़ा दी, महाराज जी ये राखी ले लो आप। तो महाराज जी ने पहले कलाई पे बंधी राखी को देखा और फिर उस राखी को देखा और पकड़ लिया। तो कहते कि मैंने सोचा कि अब एक राखी महाराज जी मुझे बांधेंगे। मैं तो यही सोच के गया था कि मैंने महाराज जी को बांध लिया और दूसरी राखी महाराज जी मुझे बांध देंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैंने कहा महाराज जी आप मुझे राखी बांध दो अब। तो महाराज जी ने मुझे गौर से देखा और कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए और चुप रहे और मेरी राखी अपनी मुट्ठी में बंद रख ली। कहते थोड़ी देर और ही, मैंने सोचा अब बांधेंगे। मैंने दोबारा कहा महाराज जी, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर और बीती, फिर मैंने कहा महाराज जी क्या आप मुझे राखी नहीं बांधेंगे। मेरा मन मायूस हो गया, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे तो लगा राखी बांधेंगे तो ठीक हो गया सब। तो महाराज जी ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा और वो स्वामी जी ने मुझे बताया कि मुझे वो बचपन की बात आज तक याद है। महाराज जी ने कहा कि मैं अंदर से बांधता हूं, बाहर से नहीं।